का एक चांस है, प्रयास का 3 चांस। भीड़ आपको दिखने वाला शाम के बाद ही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत टाइम के बाद डिज्नीलैंड लग रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं अभी फुलवारी शरीफ आया हुआ हूँ और यहाँ पर डिज्नीलैंड लगा हुआ है। तो बहुत टाइम के बाद पटना में हम लोग डिज्नीलैंड देखने को मिल रहा है, तो चलिए लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए, अंदर चलते आपको दिखाते हैं। लोकेशन आपको बता देते हैं, अभी फुलवारी शरीफ में है, रजिस्ट्री ऑफिस एम्स रोड में है। तो 10 रुपए का टिकट आपको लेना पड़ेगा, 3 साल की उम्र के बच्चों को लगने वाला, सिर्फ 10 रुपए में जाइए। पहले लगता था 60-50, लेकिन सिर्फ 10 रुपए में। तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है डिज्नीलैंड में, देख लीजिए पूरा एकदम यहाँ पर सजा हुआ है, सब कुछ मिल रहा है बच्चों के लिए, खिलौना भी, चश्मा का दुकान, सब कुछ जैसा डिज्नीलैंड में होता है वैसा। ऐसा नहीं सिर्फ झूला यहाँ पर आपको लगने वाला है, पूरा भीड़ भाड़ आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा अंधेरा होगा तो और भीड़ हम लोग को दिखने वाला है। देख लीजिए गाइस, भीड़ भाड़ आपको दिख रहा होगा, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है मेले में। यही हम लोग का पटना का डिज्नीलैंड मेला, बहुत टाइम के बाद यहाँ लगा है, निशाना लगाने के लिए भी है, आगे बढ़ रहा है। ये देख लीजिए, कप में फोड़िए और इनाम पाइए, ये वाला पहले हम लोग देते थे गिलास। कितना रुपये का भैया? 20 का 1 चांस है, 50 का 3 चांस है। 20 रुपए 1 चांस मिलेगा, इनाम ले जाए, क्या इनाम मिलेगा भैया? कोई भी एक सामान अपने पसंद से लेके जाइए, कोई भी अपना सामान उठा के ले जाइए। देख लीजिए, तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि फोड़ना आपको भैया देंगे, कुछ उठा के ले जाइए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग क्या दिखा, मेला का मनोरंजन, 20 रुपए का 6 रिंग आपको फेंकने को मिलेगा, फेंके इनाम ले जाइए, देख लीजिए तो मजेदार है। 20 रुपए का 6 चांस मिलेगा भैया? अच्छा, कुछ भी मिल जाएगा जिसमें जाएगा, देखिए जिसमें फेंकिए, हाँ उसके अंदर जाना चाहिए ना, देखिए उसके अंदर जाएगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए गाइस, तो आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर बहुत सारा झूला है, जायंट व्हील भी यहाँ पर है, ये देख लीजिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, लाइट वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है। केसरिया सॉन्ग का याद आ गया मेरे को, यहाँ पर लाइन से बहुत सारा झूला लगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला। अगर आप लोग दूर से हैं और झूला झूलना चाहते हैं तो यहाँ फुलवारी शरीफ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लोकेशन दूर है। तो अभी आप लोग देखिएगा, बच्चों के लिए झूला है, जायंट व्हील भी है, वाह क्या शानदार लग रहा है। और आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये वाला तो है भाई, बोट वाला है, बोट आगे पीछे से होता है, 40 रुपये टिकट है इसका दाम। खाने का भी अंदर देखिए प्रबंध है, गोलगप्पा ये सब खाइए, पब्लिक यहाँ पर खा रही है, फोटो सेल्फी ले रही है। और ये दिखाइए, दिखा देते हैं आपको ड्रैगन वाला, ये जो हम लोग का ड्रैगन वाला है 40 रुपये इसका भी है, देख सकते हैं भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है, टिकट का तो सामने आपके। और ये है बच्चों के लिए, इसमें कूदने जंपिंग वाला है, ये देख लीजिए, ओ माई गॉड, ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं आप लोग, ये तो मेरे को देखने ही से डर लग रहा है, मैं तो बहुत बड़ा डरपोक हूँ आपको पहले बता देता हूँ, देख लीजिए कितना खौफनाक है, लेकिन मजा आएगा, झूले का मजा ही तो है, डर के आगे जीत है। 50 रुपये इसका है, देख लीजिए ये वाला जो 50 रुपये का है, कुछ राउंड आपको झुलाया जाएगा। डिज्नीलैंड में आ रहे तो बहुत ही आपको मजा आने वाला, तो शाम के टाइम कुछ ज्यादा मजा आने वाला, लाइट वगैरह सब ऑन हो जाएगा। तो ये वाला भी देख लीजिए झूला, बच्चों के लिए, ये सब झूला जो छोटा वाला, ये सब बच्चों के लिए है। ये कितने का झूला रहा भैया? 30 रुपया, कितना राउंड? 20 राउंड झूलेंगे, 30 रुपये का, देख लिया बच्चों वाला, इसमें लिखा हो नहीं इसलिए भैया से मैंने पूछ लिया, बाकी सब में लिखा हो जॉइंट व्हील का आपको 50 रुपये का झुलाने वाला है। मेरे पीछे आप लोग जॉइंट व्हील देख रहे हैं, 50 रुपये का झुलाएंगे, 10 राउंड आई थिंक 10 राउंड होता है, आंटी लोग झूल रहे हैं ड्रैगन वाला, ये भी मजेदार है, बहुत ही मजा आने वाला, मैं इसमें भी जाने वाला हूँ, मैं तो उसी में जाऊंगा भाई। तो मेले में आप लोग देखिए फोटो शूट भी चल रहा है, भीड़ आपको दिखने वाला शाम के बाद ही दिखेगा, कम से कम 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मतलब 5:30 बजे के आसपास, उसमें उतना भीड़ नहीं था, बट अब भीड़ लगना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोग डिज्नीलैंड का मजा लेना तो फुलवारी शरीफ आपको आना पड़ेगा, एड्रेस मैं फिर से बोला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या भाई लोग भी घूमना, कैसा लग रहा है भाई लोग? आप लोग कहाँ से आए? फुलवारी शरीफ। फुलवारी यही के हैं? तो कैसा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद डिज्नीलैंड लग रहा है जी, लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद लग रहा है ना जी, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना चाहेंगे ऐसे और जगह भी होना चाहिए इस तरह के। अच्छा, तो एंजॉय करने बस ऐसे घूमने के लिए? बस ऐसे एंजॉय करने घूमने, भाई लोग मिले थे कोचिंग से आए यहाँ पर, अभी निकल के आपने, चले ठीक है भैया, चलिए थैंक यू भैया। तो आप लोग सामने देखिएगा बच्चों वाला जंपिंग झूला, कोई झूला भरा दिखे बट ये झूला हमेशा भरा दिखता है, देख लीजिए चश्मा पहन के बच्चे लोग इसमें झूल रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही शानदार, मजा आता है, मैं भी बचपन में जाने के लिए बहुत हंगामा करता था, बट जॉइंट व्हील का मजा ही कुछ और है। तो मेरे लिए यही झूला काफी है, चलिए तो एक झूला तो झूल के जाएंगे, लेट हो रहा है मेरे को, इसलिए मैं एक झूला झूलने वाला हूँ, और सोचा ट्राई करूंगा, बट मैं एक नंबर का थोड़ा डरपोक हूँ। तो आप लोग आइएगा तो एंजॉय करिए, बहुत लोग यहाँ पर पब्लिक सबको एंजॉय कर रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं, आए मेला में तो एक झूला झूल कर ही जाएंगे, तब ना मजा आएगा, मेले का मजा झूला से ही है होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर बैठे आंटी लोग भी, सबको एंजॉय का भी करने वाले हैं, सीट थोड़ा गलत मिल गया मेरे को, उधर चाहिए था बट कोई नहीं। चलिए तो फाइनली एक झूला हम लोग को मिला झूलने के लिए, तो स्टार्ट हो गया हम लोग का। अरे गलती झूला में आ गया भैया,
चलिए फाइनली झूला झूल लिए, बहुत ही मजा आया। वो कोई तो झूला मिला भाई झूलने के लिए, गए झूला झूले। अब हम लोग मेला से फाइनली निकलेंगे, देख लीजिए पूरा भीड़ अब लेना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए मेरे पीछे, जैसे मैंने बोला था शाम होते हैं पर भीड़ आपको दिखेगा, उसके पहले उतना खाली खाली दिख रहा था, रात होते थे पूरा हम लोग को भीड़ दिखने वाला है। बहुत ही मजा आ रहा है, अगर आप लोग नहीं आ पाए तो इस वीडियो को देख कर मजा करिए, क्योंकि जल्दी पटना में लेगा ये हमारे लोग, क्योंकि बहुत दूर लोकेशन जो कि बहुत दूर है, फुलवारी शरीफ को आना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अपने मेले का मजा वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। कैसे लगा बाबू? झूले हो अभी नहीं, नहीं झूला आंटी, अब लोग झूले की नहीं झूला, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी आए हैं। चलिए अभी अभी आए आंटी जी, आई हैं फैमिली के साथ आई हैं। जब ऑन हो गया तो देख लिए कितना खूबसूरत लग रहा है नजारा, ओ माय गॉड बहुत ही खूबसूरत है, देख लीजिए छा गया भाई मेला, डिजाइन छा गया समझ लीजिए। चलिए फाइनली गाइस, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, पूरा एंजॉय कर लिए, और आपने अगर एंजॉय नहीं किया तो वीडियो देख एंजॉय करिए। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तो अगर ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।